नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। मास्टर क्लास 3 में आपका स्वागत है। भारत की सबसे खूबसूरत जगह लाहौल स्पीति से मैंने सोचा यहीं से आपका इंट्रो करता हूं। थोड़ा ऑक्सीजन कम है यहां पे, आप पीछे देख सकते हैं खूबसूरत बर्फ़ दिखाई दे रही है सफ़ेद। तो भारत के बारे में जितना बोलें उतना कम है, लेकिन थोड़ा सा मास्टर क्लास पे चर्चा करते हैं। आजकल जितने भी कंसेप्ट आर्टिस्ट हैं वो क्रीचर डिज़ाइन बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। तो एक छोटा सा मेरे लाइफ में ये जो बीस्ट होते हैं, क्रीचर होते हैं या मॉन्स्टर्स होते हैं, उसका हमारी लाइफ में कितना योगदान है। तो होता ये है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अन्याय पे न्याय की जीत के लिए हम एक कैरेक्टर रखते हैं जो कि बहुत बलशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है, और एक हीरो होता है उससे लड़ता है। तो वो जो इविल है या जो बैड पर्सन है उसको हम कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। मेरे लाइफ में एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं जब बहुत छोटा था तो अपने नाना के यहाँ गया था, तो वहाँ पे रामायण का पाठ हो रहा था। और मैं थोड़ा बनारस का हूँ, थोड़ा बचपन से बुद्धिजीवी लोगों के साथ रहा। जो एक हमारे मित्र हैं उद्भव नारायण मिश्र, उनके घर पे हमेशा चर्चा चलती रहती है शिव पुराण या वेदों के ऊपर। हम भी चतुर्वेदी हैं तो हम वेद पे, रामायण पे, इन चीज़ों पे काफ़ी परिचर्चा होती रही हमारी जीवन में। जब भी जाते हैं दो चार बुद्धिमान लोग हो जाते हैं और उनके बारे में बात होती है। तो एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी किसी से, उन्होंने मेरे से कहा कि तुम एक अच्छे चित्रकार हो, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में जिस प्रकार से किसी कैरेक्टर का चित्रण वाल्मीकि जी ने किया वैसा किसी आर्टिस्ट ने बनाया ही नहीं। तो वहाँ पे एक बात हो रही थी, मुझे याद है छोटी सी, जब मैं बचपन में था तो एक कबंद नाम का एक राक्षस था जो कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वनवास को जा रहे थे तो वो इतना बड़ा सा माउंटेन की तरह था, उसके एक आँख थी बड़ी सी, उसके हाथ बहुत लंबे थे, और वो दोनों भाइयों को उसने पकड़ लिया। तो ये कहानी जब चल रही थी तो मेरे दिमाग में वो छवि आ रही थी कि वो कितना कुरूप होगा, कितना ख़तरनाक सा दिखता होगा। फिर एक मूवी थी मुझे बचपन में 1975 जब शोले आई थी, उससे पहले की एक मूवी थी, कोई बंगाली हीरो थे, रामायण थी मूवी का नाम। फिर उसमें वो राक्षस का चित्रण मैंने देखा, अभी भी मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स हैं रामायण के, लेकिन जो वाल्मीकि जी ने लिखा सीरियसली। हमने 2004 में मैंने कुछ पैसे लगाए, 10 लोगों से मिले, और हमने रामायण के 107 कैरेक्टर जिनका वाल्मीकि जी जिस तरह का उसमें शब्द बाय शब्द, मतलब एक एक वर्ड जो नैरेट किया है, तो मैं करूँगा, कभी आपको दिखाऊँगा। तो क्रीचर डिज़ाइन बीस्ट हमें, मुझे बचपन से अट्रैक्ट करते रहे। फिर 70s में एक मूवी आती है स्टार वॉर्स, अलग अलग टाइप के क्रीचर, अनबिलीवेबल। तो वहाँ मेरी बुद्धि उस रास्ते जाने लगी जहाँ हम क्रीचर को देखते हैं। फिर मेरे एक फेवरेट आर्टिस्ट थे H.R. गीगर, उन्होंने एलियन एंड प्रीडेटर, आज भी प्रीडेटर से बढ़िया कोई एलियन है नहीं, और एलियन तो है ही है, तो वो मूवी देखी मैंने। अभी भी H.R. गीगर आप देख लीजिए, प्रोमेथियस आप देखते होंगे, तो ये उनके कंसेप्ट आर्ट हैं। फिर आजकल तो हर जगह दिखते रहते हैं मुझे। फिर जुरासिक पार्क भी एक क्रीचर बीस्ट ही है, जब ये इन्होंने अभी वाली जो मूवीज़ हैं उसमें कुछ वो थोड़ा और ढंग के बना रहे हैं कैरेक्टर्स। फिर आते हैं वीडियो गेम्स, वीडियो गेम में बॉस कैरेक्टर, ओ माय गॉड, बहुत रिसर्च होता है। मैं अभी 14 साल सिंगापुर में था, बच्चों के साथ वो क्रीचर डिज़ाइन करते थे, क्रीचर मॉन्स्टर बीस्ट मतलब लार्जर देन लाइफ। तो ये जो आप ड्राइंग्स देख रहे हैं, ये जो मॉन्स्टर डिज़ाइन का ये कंसेप्ट आर्ट है, मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो जो रिगिंग को दिमाग में रख के जो उसके जॉइंट्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा पार्ट मैं वॉइस ओवर में कर दूंगा। और अभी मेरे को ये हंसी वादियाँ, इसको मैं देख लूँ आराम से। तो ये मास्टर क्लास 3 है, बीस्ट मॉन्स्टर्स एंड क्रीचर डिज़ाइन। तो एंजॉय करिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे।
वेलकम टू मास्टर क्लास 3। तो ये जो सीरीज़ है हमारी थोड़ा कैरेक्टर डिज़ाइन कंसेप्ट आर्ट के ऊपर है। तो आज का टॉपिक है लर्न हाउ टू ड्रॉ एनाटॉमी ऑफ बीस्ट मॉन्स्टर्स एंड क्रीचर्स। मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता है मेरा नाम दिलीप चौबे है, और जब मैं डीजीपेन में काम कर रहा था सिंगापुर में, तो एक कैरेक्टर डिज़ाइन का क्लास था, उसका नाम था आर्ट 251, वो कैरेक्टर डिज़ाइन कंसेप्ट आर्ट। तो वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसमें हाउ टू विजुलाइज थंबनेल्स विथ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, तो ये मैं वहाँ पे पढ़ाता था। तो जैसा अभी आपने देखा कि मैं लाहौल स्पीति के पहाड़ों पे घूम रहा था, तो एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। अभी मैंने एक बैच पढ़ाया, फिर 1 अगस्त से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो फिर मैं 2 महीने एकदम फुल डेडिकेशन से मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा था, मैं सोचा था कि मास्टर क्लास तो होनी चाहिए, तो मॉन्स्टर्स के ऊपर, बीस्ट क्रीचर्स, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब क्यों हम मॉन्स्टर और इन हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। तो अभी मैं मनाली गया था, तो मुझे कैरेक्टर कंसेप्ट जिसपे हम रिसर्च करते हैं कैसे मिलता रहता है मुझे, तो वहाँ मनाली में हमने एक बस स्टॉप के पास ही, मेन मनाली में ही मॉल रोड के जस्ट ऑपोजिट एक पार्किंग थी, वहाँ अपने गाड़ी खड़ी की। वहाँ हिडिम्बा देवी का मंदिर है, वहाँ पे पढ़ा मैंने, हडिम्बा लिखा हुआ था। हडिम्बा एक लेडी हैं जो कि मेरे ख्याल से महाभारत में एकमात्र यही जिनकी रचना हम सोचते हैं, ये दानव के रूप में इनको दिखाया गया। तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा था, उस पर मैं पढ़ रहा था उसको, मैं उसकी फ़ोटो खींच के लाया था, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देवी हडिम्बा को समर्पित ये मंदिर पैगोडा शैली में बनी है, और 1553 में इस मंदिर को कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। तो यहाँ पे एक प्राचीन कथा के अनुसार हडिम्बा महाभारत काल में एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए राक्षस कुल में पैदा हुई थी। तो जब पांचों पांडव माता कुंती के साथ जा रहे थे पहाड़ों पे, तो शायद यहीं रास्ते में ये हिडिम्बा माता मिली। उनका एक भाई भी था हिडिम्ब, तो उससे भीम की लड़ाई हुई, फिर भीम की हिडिम्बा से शादी हुई, और वो वहाँ 1 साल रहे, फिर पांडव वहाँ से निकले। तो ये रिटेन है, मतलब एक हमारे जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारे पुराण हैं, या जो हमारी धरोहर है, जो हमारी किताबें हैं, उसके अंदर ये जिक्र होता है। तो अगर मुझे एक कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, पहले तो ये एक डिमन गॉडेस हैं, तो ये एक राक्षसी हैं, इनका एक भाई है राक्षस है, अब उनका हमको कैरेक्टर डिज़ाइन करना है। तो मैं, अगर वो कुल्लू और मनाली के आसपास हैं, रह रहे हैं, तो जब हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ का थोड़ा सा लोकल टच होगा। वहाँ कुल्लू में हर प्रांत का, हर गांव का एक अलग कैप होता है, कुछ अलग टाइप के कपड़े होते हैं, और उसको हमको राक्षस का मतलब नहीं है कि एक मोटा सा आदमी उसकी मूंछ है, सर दिस इज़ नॉट अ राक्षस फॉर मी, एक डीमन है, डीमन का मतलब ही है डीमन। चलिए पहले तो हम ये बता दें आपको कि जो एनाटॉमी के जो बीस्ट मॉन्स्टर और क्रीचर, इनकी एनाटॉमी बनाए, तो पहले हम बीस्ट समझते हैं किसको बोलते हैं। तो बीस्ट जो है वो एक एनिमल टाइप का एक क्रीचर होता है, जो कि किसी लिटरेचर में या किसी माइथोलॉजी में हमको मिलता है। वो काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, सुपर नेचुरल एबिलिटी होती है उसके अंदर, जैसे कि हमारे पुराणों में महिषासुर के बारे में हम बताते हैं, तो वो माता दुर्गा के साथ उनकी लड़ाई हुई, वो कैरेक्टर थोड़ा सा भैंसे की तरह दिखता है। तो कभी कभी हम दुर्गा पूजा के पंडालों में, मैं बचपन से जाता रहता हूँ, वो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं वो मूर्तियाँ,
तो वहाँ पे मैं महिषासुर को देखता हूँ कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ भैंसा, तो वो एक बीस्ट है, वो पावरफुल भी है और उसकी सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं उसके अंदर। फिर आते हैं मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर एक इमेजिनरी कैरेक्टर, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा अगली लुकिंग है, थोड़ा सा डेंजरस है, देखने में बड़ा डरावना सा लगता है। और बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, जैसे कि फिलीपींस में एक कैरेक्टर है, बच्चा अगर रात को रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तो उसके लिए एक अलग मॉन्स्टर है। और जापान में एक अलग मॉन्स्टर है, उसका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, मतलब हर गांव वाँव में चले जाएंगे, मेरे भी गांव में लोग बोलते थे कि वो बुढ़वा आ जाएगा, बुढ़वा। तो देयर इज़ अ बिग बरगद का पेड़, वहाँ पे एक मॉन्स्टर टाइप का कैरेक्टर है, इमेजिनरी मान लो, लेकिन वो डर लगता है उससे, तो हमने एक उसकी छवि बना के रखी है, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉन्स्टर। और क्रीचर, तो क्रीचर एक नॉन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन नहीं है वो, एक क्रीचर है, वो एनिमल भी हो सकता है, मिथिकल भी हो सकता है, वो एलियन भी हो सकता है, मैजिकल होता है वो, और सुपर नेचुरल होता है। तो हम जब क्रीचर डिज़ाइन करते हैं तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो ये तीन तो अलग अलग, थोड़ी सी वैरायटी बट अ बिट सिमिलर भी है। तो इस मास्टर क्लास में मैं पांच कैरेक्टर्स बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये पांचों के मैंने डिफरेंट एनाटॉमी लिया है, एनाटॉमी इसके लिए बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है कि आप इसको देखिए पहले, ये पांचों वीडियो हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप इसको पीछे देख सकते हैं। मेरा जो प्रोसेस है वो मैं एकदम बहुत सिंप्लीफाई कैरेक्टर्स बनाता हूँ। देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल एनाटॉमी है, जितने भी जानवर होते हैं उनका एक चेस्ट वाला पार्ट होता है, एक पीछे वाला पार्ट होता है। चेस्ट वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा होता है, पीछे का पार्ट थोड़ा पतला होता है। उनके जो लेग्स हैं, उनके जॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के एक से होते हैं, इंसेक्ट्स को अगर हम हटा दें। तो अगर हम क्रीचर या बीस्ट या इस तरह के जो क्रीचर जब हम ड्रॉ करते हैं, तो उनकी एनाटॉमी में पहले तो हम एनिमल वाली एनाटॉमी को दिमाग में रखते हैं। इन वीडियो में आप देखेंगे कि मैं एनिमल को बहुत ज़्यादा स्टडी किया हूँ, उनके जो फूट के जॉइंट्स हैं उसको एग्जैजरेट भी किया है। और उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी होता है, ह्यूमन एनाटॉमी में दो पैर होते हैं हमारे जिससे हम चलते हैं। तो जो एनाटॉमी जो बेसिक होती है, फाउंडेशन फॉर वेदर इस एनिमल और ह्यूमन, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। फिर जो जैसे हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हम क्रीचर्स पे भी थोड़े ह्यूमन इमोशंस मैंने उसमें डाले हैं। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कंसेप्ट आर्टिस्ट हैं तो एक तो ह्यूमन एनाटॉमी को आपको पूरा मास्टर करना पड़ेगा, साथ में एनिमल एनाटॉमी पे बहुत फोकस करना। मैं इसीलिए तो वीकेंड्स पे मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था कि मैं जाता हूँ बाहर और जानवरों को स्टडी करता हूँ, यूट्यूब पे नहीं, मतलब लाइव। तो उनको फील करना होता है, कैसे वो चल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो ये जो मेरा नॉलेज है अबाउट क्रिएटिंग ऑल द थंबनेल्स एंड कैरेक्टर डिज़ाइन, ये विदेशों में बच्चे हमारे तो पागल हुआ करते थे। तो मेरा ये जो R251 कैरेक्टर डिज़ाइन कंसेप्ट आर्ट वाला क्लास एकदम सुपर हिट था। जब हम क्रीचर डिज़ाइन करते हैं या किसी राक्षस या मॉन्स्टर इस तरह के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, तो एक रिसर्च पार्ट होता है जिसमें या तो मिथिकल स्टोरीज होती हैं जो कि हमारे बहुत पुराने समय से लोग, एक अजीब सा कैरेक्टर जो आसपास कहीं रहता है, कोई मिथिकल कैरेक्टर, एक कहानी होती है उससे मिलता जुलता कुछ हम कैरेक्टर मान लेते हैं, या फिर हम अपने पुराणों में, साहित्यों में, हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, उससे कहीं से इंस्पायर होते हैं। और जो लिखा रहता है या जो उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, जैसे आप जस्ट गूगल पे जाइए और लिख दीजिए मिथिकल कैरेक्टर्स ऑफ इजिप्ट, तो हमारे देश में भी हम देखते हैं, कई मंदिरों में मैं गया हूँ, वहाँ पे आधा शरीर शेर का और आधा ह्यूमन, आप फराओ के जितने भी इजिप्शियन पिरामिड्स के अंदर बहुत सारा आप देखते होंगे, ऊपर का हिस्सा किसी बर्ड का और नीचे का हिस्सा ह्यूमन का,
और हर देश में एक मिथिकल स्टोरी चलती है, वहाँ पे कुछ कुछ क्रीचर उन्होंने बना के रखे हैं, मान के रखे हैं, और वो उस पर रियली ट्रस्ट भी करते हैं कि दिस इज़ ट्रू। तो आप जब रिसर्च करना शुरू करेंगे तो एक पूरी दुनिया दिखाई देगी आपको मिथिकल कैरेक्टर्स की। देखिए, जब आप कंसेप्ट डेवलपमेंट करते हैं, कंसेप्ट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि कागज़ लिए और ड्राइंग बनाना शुरू कर दिए। उसके पीछे काफ़ी कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, काफ़ी कुछ रिसर्च होता है, फिर जो क्रीचर का जो आइडिया है वो एकदम क्लियर आपको दिखने लगता है बिफोर यू स्टार्ट ड्राइंग। तो रिसर्च पार्ट वो मैं आपको बताता हूँ। 2005 में मैं बहुत विद्वानों के साथ मैं बैठा करता हूँ, और वो लोग मैं जैसा कि बता रहा था अपने इंट्रो में कि हमने काफ़ी कुछ किताबें पढ़ी, शिव पुराण भी पढ़ी, रामायण, खाली ये नहीं कि हम सिर्फ वाल्मीकि की रामायण पढ़ रहे हैं, तुलसीदास की पढ़ रहे हैं, साउथ में भी काफ़ी लोगों ने रामायण लिखी है। तो उन सब रामायण को हमने पढ़ने के बाद मैंने 107 कैरेक्टर्स निकाले, अलग से लिख के उसको रखा, जैसा उसका वर्णन किया गया है वाल्मीकि जी के द्वारा। मैं आपको दो कैरेक्टर बताता हूँ और मैं पढ़ के ही बताता हूँ कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। तो एक कैरेक्टर, एक किरदार है जो वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन किया है, और उसके ऊपर मान लीजिए मुझे कंसेप्ट बनाना है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, संस्कृत है, पुरस्तादिह वातापि परिभूय तपस्विनः उदर अस्थो द्विजान हन्ति स्वगर्भो वतरी मीव। ये संस्कृत में लिखा है। तो इसका अर्थ है, दंडक वन में ही वातापी नाम का एक राक्षस रहता था जो तपस्वियों और महात्माओं का बहुत तिरस्कार करता था। कपटपूर्वक कभी अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर भोज्य पदार्थ के साथ कभी नाक के रास्ते, कभी श्वास नली के अंदर उदर में उतर जाता था, और फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उस ब्रह्मर्षि का नाश कर देता था। मतलब एक सूक्ष्म रूप का एक राक्षस है जो छोटा हो जाता है बैक्टीरिया की तरह, और किसी ऋषि मुनि के पेट में जाके वो बड़ा हो जाता था, और वो अपने वास्तविक रूप में आके वो ब्रह्मर्षि का नाश कर देता था। अनेक ऋषियों का अंत करने के पश्चात एक दिन महामुनि अगस्त्य जी के पास पहुंचा और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया और उनके पेट में चला गया। तो श्राद्ध के मतलब पंडितों को श्राद्ध के समय भोजन कराया जाता था। श्राद्ध के पश्चात जब वो अपना राक्षस रूप प्रकट करना चाहा, उनका उदर फाड़ कर बाहर निकलना चाहा, तो अगस्त्य मुनि ने मुस्कराते हुए कहा, वातापी, तुमने अपने तेज बल से बहुत से ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, उन्हें नष्ट किया है, उसी पाप के फल स्वरूप आज तुम मेरे अतड़ी द्वारा पचा लिए गए हो। उसी वातापी की तरह मारीच भी राम के सम्मुख चला गया था जिसका राम जी ने वध कर डाला। बहुत तरह के कैरेक्टर्स हैं रामायण में। अब ये जो वातापी किरदार है किसी ने बनाया नहीं अभी तक, ये बिल्कुल जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उनका जो विजुलाइजेशन है वो हमने सोचा ही नहीं। हम एक आदमी जिसकी मूछ है उसको छोटा कर देंगे, पेट में घुस गया, बड़ा हो गया। ये एक कीड़े की तरह होना चाहिए, एक राक्षस है, एक कीड़ा है, दिस इज अ क्रीचर। एक और उदाहरण देते हैं, एक राक्षस है विराध। देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने वर्णन किया है, मैं एक दो बार बनाया भी हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन देखिए वाल्मीकि जी का। विराध, अहं वन मिदं दुर्गे विराधो नाम राक्षसः, चरमी सायुधो नित्य मृषि मांसानी भक्षयन्, गभीराक्षं महाबलं महाबकलं विकटं विकटोदरं विभत्स विषमं दीर्घे विकृतं घोरद निर्मम।
जय नामक राक्षस का पुत्र था विराध। उसकी माता का नाम कालहुदा था। विराध दुर्गम वन में ऋषि मुनियों का मांस भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र भास्त्र लेकर विचरण करता था। अ डेमन हु इज होल्डिंग समथिंग इन हिज हैंड। उसकी आँखें गहरी, विशाल मुंह था, आकार विकट था और उदर विकराल था। उसका पेट बड़ा था, फेस क्रेजी था। वह विकृत वेग में बड़ा ही घृणित और भयंकर दिखता था। खून से भीगा और चर्बी से गीला, उसकी बॉडी पे पूरा खून था और वो चर्बी लगी हुई थी। व्याघ्र चर्म पहन कर यमराज के सामने मुंह बाए खड़ा था। ही पुट ऑल द बाघ का छाल। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता ने देखा, वह एक लोहे के भाल के उसके हाथ में था, एक लोहे के का भाला था जिसमें तीन सिंह, थ्री लायन हेड, चार बाघ, दो भेड़िए, 10 चितकबरे हिरन और दंत युक्त हाथी का मस्तक। मतलब उसका जो एलिफेंट का हेड लगा के दंत मुख, मतलब दो दांत हाथी के, उसका मुकुट था। और उस राक्षस को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था कि किसी भी शस्त्र से उसका वध नहीं होगा। अभेद्य और अच्छेद्य होने का उसे वर प्राप्त था। Nobody can kill him। तो अंत में श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने एक गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया। तो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन जो है, अगर हम इसको कहते हैं रिसर्च, 2005 से इस पर हमारा डिटेल में वर्क हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो ये जो 107 कैरेक्टर्स हैं रामायण के, ये इसके अंदर बहुत सारे हीरोज़ हैं, बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे क्रीचर्स हैं। मतलब जो उनका वर्णन है, अगर हमने उस तरह से बनाया, अभी तक तो हमने बनाया ही नहीं है। तो ये हो गया रिसर्च पार्ट। तो जब हम क्रीचर डिज़ाइन करते हैं या मॉन्स्टर डिज़ाइन करते हैं, तो उसके जो यूनिक फीचर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि उसकी जो एनाटॉमी है, पहले तो वो हो गया, वो चलेगा कैसे, उसके बोन्स के जॉइंट क्या हैं, उसके क्लॉज, उसके नेल्स, उसके टीथ, अगर कैरेक्टर में कपड़े की ज़रूरत है तो क्लोदिंग, उसका वॉक साइकिल, वो चलेगा कैसे, और वेरिएशन ऑफ स्पीसीज से याद आया। स्पीसीज आपने देखी है मूवी, H.R. गीगर कंसेप्ट आर्टिस्ट हैं, उनका जो भी प्रोमीथियस की जो सीरीज़ है, एलियन, प्रीडेटर, स्पीसीज, तो मैं उनका फ़ैन हूँ। तो जो उसके यूनिक फीचर्स होते हैं वो उस पर हम बहुत फोकस करते हैं। और कुछ थोड़े से चैलेंजेज होते हैं, मतलब जब हम एनाटॉमी बनाते हैं, बड़ा सा ट्रिकी सा है। जो आप ये जो भी कैरेक्टर आप देख रहे हैं, इसमें ह्यूमन भी घुसा हुआ है और एनिमल भी घुसा हुआ है। तो उसके जो बेसिक जो फॉर्म्स हैं उसको मैंने जोड़ा है। फिर आता है जो टेक्सचर है, जो कलर है, वो सारी चीज़ें हम बाद में लेते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कोई ग्रीक माइथोलॉजी से कनेक्टेड है, कोई फिलीपींस की एक किसी कहानी से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे मारीच हैं, मारीच को हमने देखा है कि एक हिरन है और एक ह्यूमन है। तो हमारे जो इंडियन पुरानी जो ग्रंथों में जो लिखा जाता है, वो इस तरह के दानव के बारे में जिक्र होता है। तो अगर मुझे बनाना हो तो मैं एक हाफ हिरन और हाफ ह्यूमन ऐसा कुछ बनाऊंगा। मैंने बनाए भी हैं काफ़ी सारे, कभी दिखाऊंगा आपको। वैसे देखा जाए तो हॉलीवुड में काफ़ी काम हुआ है बीस्ट के ऊपर, क्रीचर्स के ऊपर और मॉन्स्टर्स के ऊपर। इंडिया के बारे में बोलें, इंडिया में जो हमारे पुराने ग्रंथों में या जो हमारी दंत कथाएं हैं या जो हमारे मिथ्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ है। सबसे पहले मुझे इतना याद करके डर लगता है, रामसे ब्रदर्स ने काफ़ी सारे बीस्ट बनाए थे,
काफ़ी हॉरर था, उसको देख के डर जाता था मैं। वो एक आदमी होता था लंबा सा 6 फीट का, उसके पूरे शरीर में बाल होते थे और वो हंसता था और उसका सिर जो है 360 घूम जाता था और मैं डर जाता था। तो ये हमारे देश का बीस्ट हुआ। उसके बाद एक राम से ब्रदर्स ने काफ़ी काम किया है हॉरर जॉनर में और डराने की कोशिश की। उसके बाद जो सबसे फेमस आज तक का क्रीचर है वो है जादू। तो जादू एक ब्लू कलर का एक बंदा है जो सोलर पावर से चार्ज होता है, एलियन है और ऋतिक रोशन को पावर देता है। फिर एक बिपाशा बसु की एक फिल्म आई थी क्रीचर, वो सीजीआई या मतलब वो हमारे देश का स्टैंडर्ड साबित करता है। अभी एक आई है मुंजिया, उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक काम दिख रहा है मेरे को। हम कोशिश कर रहे हैं, हम एक्चुअली थोड़े से अलग ट्रैक में चले गए थे 1975 के बाद, वो मैं बताता हूँ। तो पहले तो ये समझिए कि सीजीआई क्या होता है और मेकाट्रॉनिक्स या रोबोटिक्स क्या होता है और विजुअल इफ़ेक्ट क्या होता है। जो मूवी मेकिंग है, मूवी मेकिंग में टेक्नोलॉजी धीरे 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 करके अपग्रेड होती गई। सबसे पहले जब हमको एक मॉन्स्टर बनाना होता था तो मैं 1930s और 40s की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉप मोशन हम यूज़ करते थे। स्टॉप मोशन मतलब एक क्ले में एक मॉडल बन गया गॉडजिला का, उसको ऐसे कराना है तो उसको हम पहले ऐसे ऐसे करके 24 फ्रेम पर सेकेंड पे शूट करते थे और जब वो चलता था रील में तो एक इल्यूज़न होता था कि वो चल रहा है। तो दैट वॉज स्टार्टेड इन 1930s हॉलीवुड में। तो एक तो हो गया स्टॉप मोशन, तो ये भी एक तरीका है जो कि हम विजुअल इफ़ेक्ट, आँखों को भ्रमित करने वाले इफ़ेक्ट मूवी इंडस्ट्री में हमने देखना शुरू किया। फिर आता है मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट और सम गैजेट और रोबोटिक्स, ये चार पांच मिला के हम मॉन्स्टर या क्रीचर आप देखते हैं। तो जो टर्मिनेटर आप देख रहे हैं अर्नॉल्ड को, तो उसका हाफ बॉडी में आपको एक स्कल्स वो मेटालिक पार्ट दिख रहा है, वो एक्चुअली सिलिकॉन में अर्नॉल्ड का मोल्ड लेके और वो अर्नॉल्ड को जीवित इधर जो आप देख रहे हैं और ये जो मशीन है, ये मशीन है। तो वो उसमें जॉ भी चलते हैं, आई ब्लिंक भी होती है और एक बंदा उसको रिमोट से कहीं से कंट्रोल करता है। इवन जो आप टीरेक्स देखते हैं जुरासिक पार्क में जो 1993 में आई थी, वो बड़ा सा डायनासोर उन्होंने बनाया था और वो काफ़ी हद तक मेकाट्रॉनिक्स था। और जो ट्रांसफॉर्मर आप देखते हैं उसमें भी शुरुआती ट्रांसफॉर्मर में वो मेकाट्रॉनिक्स था, उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें आती हैं। तो एक पूरा स्टील का मशीन का एक रोबोटिक्स होता है, उसके ऊपर सिलिकॉन डाल के और पेंट वेंट करके उसको रियल डायनासोर बना देते हैं। और समबडी, वो आपने जुरासिक पार्क में एक देखा था, एक बड़ा सा डायनासोर था जिसमें वो ब्रीद कर रहा था और वो जाके उसके पेट पे सिर रख के देख रहा था, दैट इज़ रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स शुरू हुआ। उसके बाद आता है विजुअल इफ़ेक्ट। तो विजुअल इफ़ेक्ट मतलब एक लाइव शूटिंग हो रही है लोगों की, बट ग्रीन रूम में हो रही है और फिर बाद में जो ग्रीन स्क्रीन है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ब्लू स्क्रीन भी कहीं कहीं यूज़ होता है। तो ग्रीन स्क्रीन आप किसी भी आफ्टर इफेक्ट या किसी पोस्ट प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर पर डालेंगे तो वो ग्रीन सारा डिलीट कर देगा। तो विजुअल इफ़ेक्ट, और उसके बाद वो जो बैकग्राउंड है वहाँ पे हम कुछ मैट पेंटिंग, कुछ अलग लोकेशन फोटोशॉप पे बना के या 3D मैक्स में मॉडल करके एनवायरनमेंट अदर से डाल देते, तो वो हो गया विजुअल इफ़ेक्ट। फिर आता है सीजीआई। सीजीआई एकदम कंप्यूटर जेनरेटेड इमेजिनरी है, इमेजरी है सीजीआई। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अवतार मूवी, तो वो कंप्यूटर जनरेट। हालांकि स्टार वॉर्स में जो बूढ़ा कैरेक्टर, जो बूढ़ा सा बंदा है कान वाला, वो उन्होंने सीजीआई जनरेटेड किया था शुरुआत में और काफ़ी उसको इनाम वगैरह भी मिला था।
उसके बाल यूं लटके रहते थे, तो सीजीआई कैरेक्टर काफ़ी हम मेकाट्रॉनिक्स यूज़ कर लेते हैं, कहीं सीजीआई यूज़ कर लेते हैं, जैसे जुरासिक पार्क आपने देखा था। फिर आता है मोशन कैप्चर, तो मोशन कैप्चर में एक एक्टर होता है, उसकी एक्टिंग को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें नोट्स लगा के वो एक्टिंग को हम, इवन एक्सप्रेशन के लिए भी, वो जो एक्टिंग जो रिकॉर्ड होके आया है उसको हम एक सीजीआई कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। तो अवतार जो आप देख रहे हैं उसका अवतार से भी बेहतर एक एग्जांपल है द प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसमें लोग ही एक्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो जो एक्सप्रेशन और, तो वो एक्टिंग को हम मोशन कैप्चर से ले आते हैं और सीजीआई कैरेक्टर उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये तो तरीके हो गए, चार तरीके हो गए मोटा मोटी कि कैसे हम क्रीचर्स को या मॉन्स्टर को इफ़ेक्टिव बनाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फेवरेट मूवीज़ कौन कौन से हैं। पहले क्या होता था कि दिक्कत ये होती थी कि मूवीज़ सब जगह लगती नहीं थी। लखनऊ में मैं एक थिएटर था मेफेयर, जो अब बंद हो गया है, हज़रतगंज में ही है, वहाँ पे मैं अंग्रेजी फिल्में देखना शुरू किया था, ये करीब 87-88 की बात है, वहाँ से मैं मूवीज़ देखना शुरू किया था। तो एक्टिंग बेस्ड होती थी ज़्यादातर मूवीज़, और क्लासिक मूवीज़ बहुत कम आती थी, थोड़े बहुत एनिमेशन की तो कोई मूवी नहीं आती थी। तो मैं उन मूवीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको या तो बीस्ट दिखाई देगा या क्रीचर दिखाई देगा या मॉन्स्टर दिखाई देगा। मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की बात नहीं कर रहा, जो मेरे लिए वो एक फेरी टेल था, बड़ा कार्टूनिश टाइप का था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन पे कभी और बात करेंगे। तो क्लासिक मूवीज़ में एक मूवी आई थी 1933 में, उसका नाम था किंग कॉन्ग। एकदम सेम स्टोरी है कि एक बंदर जैसा एक बीस्ट है बड़ा सा, और कुछ हॉलीवुड के लोग जा रहे हैं उसकी मूवी बनाने के लिए। 1933 में आई थी और उसमें उन्होंने स्टॉप मोशन यूज़ किया था, वो जो मंकी है यू कैन सी द जर्क, तो ये जर्क को हटाने के लिए इनको भी 30-40 से भी ज़्यादा लग गए भाई। और द वुल्फ मैन, ये दो मूवीज़ हैं, और गॉडजिला भी मान लीजिए, और किंग गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स 1950s में आई थी, 56 में आई थी, आप ये YouTube पे जाके देख सकते हैं। तो ये सारी मूवीज़ में स्टॉप मोशन था। ये जो गॉडजिला है जापान में अलग हो रहा था, चाइना में अलग हो रहा था, लेकिन ये दो मिथिकल कैरेक्टर्स हैं, एक गॉडजिला और एक फिनिक्स बर्ड। तो ये उस समय इन्होंने स्टॉप मोशन से ये बनाने की कोशिश की थी 30s में। फिर आती हैं जो क्लासिक एलियन बेस्ड मूवीज़, एलियंस जिसमें हम दिखाते हैं, उसमें द डे द अर्थ स्टूड स्टिल और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की का एक किस्सा है, ब्रिटेन में या स्कॉटलैंड में एक H.G. वेल्स, ये इसके ऑथर हैं, एक नॉवेल है ये वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। तो H.G. वेल्स ने ये नॉवेल लिखा, उस कहानी में यह है कि कुछ ब्लड सकिंग एलियंस आ गए हैं और वो घरों के अंदर आते हैं और लोगों का खून चूस के और लोग मरते जाते हैं और वो पृथ्वी पे कब्जा कर रहे हैं। तो वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स अभी भी आई थी टॉम क्रूज वाली, एग्जैक्ट सेम स्टोरी है, और नेटफ्लिक्स पे शायद एक शो भी आया वॉर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये नॉवेल एक बार रेडियो पे इसका नाटकीय रूपांतर प्ले की तरह रिले हो रहा था रेडियो स्टेशन पे, वही 30s-40s की बात है, और वो गांव के गांव खाली हो गए थे, सीरियसली लोग भाग गए थे, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये रियल में कहीं हो रहा है, मतलब ये, और ये जो एलियंस हैं जो कि लंबे लंबे पैर हैं वो चल सकते हैं, वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। तो ये नॉवल भी मैंने पढ़ी है, और मूवी तो जब भी इसका कोई भी नया वर्जन आता है आई लव टू वॉच वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। तो ये क्लासिक मूवीज़ हैं जिसके अंदर आप कुछ देखते हैं मॉन्स्टर जो ह्यूमन लाइक नहीं हैं। फिर जो थोड़े से मॉडर्न में आ जाते हैं, 1975 में एक जॉज करके मूवी आई है, शार्क है, उसके दांत हैं, और ये एक
क्रीचर मान लीजिए और मॉन्स्टर मान लीजिए इसको, और फिर 1979 में ही आती है एलियन, जो मैं बार बार बोलता हूँ मेरे फेवरेट कंसेप्ट आर्टिस्ट एच आर गीगर, तो वो एलियन है। उसमें एक तीन मुंह का एक एलियन होता है ऐसे फ्लावर की तरह, क्रेजी कंसेप्ट आर्ट था। और ये 1979 में आती है, और उसके बाद प्रीडेटर आती है 1987 में, और जुरासिक पार्क आती है 1993 में। तो ये जो टाइम है 1975 से 1993 जुरासिक पार्क तक, इसमें तीन लोग आते हैं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके अंदर जेम्स कैमरून आते हैं जिन्होंने टर्मिनेटर बनाई, एंड ही चेंज द कैनवस ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल कमिंग फ्रॉम अदर वर्ल्ड। उसी ज़माने में स्पीलबर्ग आते हैं, स्पीलबर्ग बनाते हैं ईटी, जिसमें एक एलियन आता है पृथ्वी पे, जादू। और उसके बाद स्पीलबर्ग हो गए, जुरासिक पार्क ले आए, जेम्स कैमरून टर्मिनेटर ले लिए, और जॉर्ज लूकस, ये हो जाते हैं हमारे। मैं जॉर्ज लूकस को मिला तो नहीं हूँ, मतलब मैं देखा हूँ सिंगापुर में, एक सैंड स्क्रोलर नाम की एक बिल्डिंग है जो कि लूकस फिल्म और आईएलएम की बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे मैं जाता रहता था, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे वहाँ पर, तो हमने बहुत सारे एलियन वहाँ बना के रखे थे। जॉर्ज लूकस आके बोले कि अच्छा इसको हम स्टार वॉर्स में यूज़ करेंगे, तब तक लूकस फिल्म डिज्नी के अंडर में नहीं था। तो ये तीनों लोगों ने हॉलीवुड की जो इंडस्ट्री का चैप्टर ही बदल दिया। और इसी दौर में 1975 में इंडिया में आती है शोले, इंडिया में आती है शान, जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी, और ये लोग हमारी मूवी इंडस्ट्री को स्टोरी बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड ट्रैक पे लेके चले जाते हैं, जबकि हॉलीवुड जो है वो साईफाई, सुपर साईफाई, एलियन बेस्ड और उस जॉनर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं आई वॉच वन मूवी अ डे, 365 मूवीज अ डे, सॉरी अ ईयर, मैं देखता रहता हूँ। सिंगापुर में तो ऐसी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, मैं तमिल मूवी भी देखता था, तेलुगु मूवी भी देखता था, कोरियन मूवी भी देखता था। मतलब हमारे घर के बगल में एक थिएटर है गोल्डन विलेज, एंड आई लव टू वॉच मूवीज इन 3D इन अ बिग थिएटर विथ IMAX और डॉल्बी स्टीरियो, उससे नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। फिर कुछ मॉडर्न एलियन मूवीज हैं जो दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, उसके अंदर जब विल स्मिथ एलियन को पकड़ते हैं और उसको धोते हैं और बोलते हैं वेलकम टू द अर्थ, फिर जब वो ऊपर जाते हैं मेन जो मदर प्लैनेट है उनका, मदरशिप पे, वहाँ आमने सामने वो बैठे हैं और वो एलियन कुछ कुछ कर रहा है, आई गॉट गूज बम्स। बट इंडिपेंडेंस डे 2 स्पॉइल माई मूड। तो मैं देख रहा था कि ये जो एलियन है वो चलेगा कैसे, इवन जब वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में, जब लास्ट सीन्स में जब एलियन को हम दिखाते हैं, एंड वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में जब ब्लड सकिंग कर रहा है, एंड देन इन वन रूम आई कैन सी द शेडो ऑफ द एलियंस, सो आई वॉज हैप्पी टू सी कैसे उनका वॉक साइकिल होता है। फिर इंडिपेंडेंस डे आती है और मैन इन ब्लैक भी आती है 1997 में। तो मेन कैरेक्टर तो हो गए हमारे मैन इन ब्लैक में, लेकिन जो उनका जो विजुलाइजेशन है फॉर द एलियंस, मतलब एक एलियन है उसके तीन ऐसे चश्मे लगे हुए हैं, और भी जो अदर अदर क्रीचर्स हैं, मेरी आंख उन पे रहती है कि कैसे ये विजुलाइज कर रहे हैं, किसी के बाल कुछ फंकी हैं, किसी के दो खोपड़ी है, तो वो जो क्रीचर्स का जो विजुलाइजेशन है मैन इन ब्लैक के जो भी चैप्टर आप देख लो वो बहुत ही फन लगता है मेरे को। अगर बात करें जो रीसेंट क्रीचर एंड मॉन्स्टर और बीस्ट और एलियंस, इनकी जो हम बात करें आज की डेट में, आज की डेट मतलब लास्ट डेकेड में, तो एक पैसिफिक रिम आती है 2013 में, अब वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलियंस है,
या ट्रांसफॉर्मर, वो भी एलियंस है, बट वो जो एलियन का जो हमारा ऑर्गेनिक एलियन का जो हमारा विजुलाइजेशन था वो थोड़ा सा जापानीज जो ट्रांसफॉर्मर की वो मेकाट्रॉनिक्स बोलते हैं वो, तो उसकी एक सीरीज आती है ट्रांसफॉर्मर्स की, वो वाली फीलिंग मेरे को नहीं आती है। मैं गया था, मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ मेरी फेवरेट जगह है, तो सिंगापुर में लकीली यूनिवर्सल स्टूडियोज़ था, तो उनके जो राइड्स हैं इट इज़ सो फन। तो उसमें एक ममी राइड है, तो उसमें जो ममी के क्रीचर्स हैं वो इधर उधर खड़े रहते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मर वाली जो राइड है उसमें एक मतलब 100 किलोमीटर की राइड में ऐसे ऐसे आप जा रहे हो और 3D पहने हो, इधर से ट्रक की तरह एक विलेन आ रहा है, लड़ाई हो रही है, दांत दिख रहे हैं, तो वो वाला फील मुझे उतना आता नहीं है अगर हम ट्रांसफॉर्मर देख रहे हैं। बट ड्राइंग मेकाट्रॉनिक्स इज़ नॉट अ जोक। मेरे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, उनका एक असाइनमेंट है, वो मेकाट्रॉनिक्स उनको बनाना है, तो मैं बताता हूँ कैसे पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। बट दे आर ऑल्सो एलियन, और विजुअल इफेक्ट भर भर के CGI कैरेक्टर्स हैं, और VFX का तो कमाल ही है, और स्टोरी लाइन भी अच्छा है, हैं एलियन, उनके जो बडी होते हैं मतलब स्मोकिंग सिगार एंड हैविंग सो मच गन, बट दे आर एलियंस, लुक लाइक अ ट्रक एंड देन दे कन्वर्ट इन टू ट्रक। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। मेरा जो विजुलाइजेशन है एलियन हैज़ टू बी लाइक उसके अंदर से स्लाइवा गिरता रहे और दांत हो, आई लाइक दैट काइंड ऑफ क्रीचर्स। फिर आते हैं गोडजिला। गोडजिला मुझे याद है मैं एक थिएटर में देख रहा था, मैं बोला ना अभी डॉल्बी स्टीरियो एंड ऑल, तो पूरे थिएटर में पूरी मूवी में रेन है, बारिश है, बारिश का एक एटमॉस्फियर उन्होंने क्रिएट किया, पीछे वाले कैम स्पीकर से बारिश की बूंदों की आवाज़ आती थी। साइज डज मैटर, ये उनका एक टैग लाइन था। फिर उन्होंने गॉडजिला दिखाया, फिर गॉडजिला साइज दिखाया उसका, उसके पैर के निशान दिखाए बड़े बड़े, और जब कैमरा पैन आउट होता है फिर वो लेके जाते हैं, बड़ा सा शिप है उस पर उसके नेल बाइट्स लगे हुए हैं, उसके बाद एक पूरा सा एक ऑडिटोरियम है उसके अंदर बहुत सारे अंडे हैं, और उसके बाद वो चेज करते हैं, जो मेन कैरेक्टर एक कैमरामैन वाला था और जो एक्टर्स हैं हमारे वो दौड़ के जा रहे हैं, फिर वो लिफ्ट में चढ़ते हैं, फिर वो गॉडजिला के बच्चे उसको दौड़ाते हैं, दे स्किट, दे थ्रो सम मार्बल, और एक थिएटर बड़ा सा उसमें बड़ा सा गॉडजिला, तो वो गॉडजिला देख के आई वॉज सो सैटिस्फाइड कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इज़ मास्टरिंग CGI कैरेक्टर, मास्टरिंग दे, मास्टरिंग सम विजुअल इफेक्ट्स, दे आर ऑलरेडी मास्टर इन रोबोटिक्स। तो ये और कंसेप्ट जो वो बना रहे हैं, जो कैरेक्टर्स, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर, गॉडजिला इट्सेल्फ इज़ अ क्रीचर, मिथिकल क्रीचर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज स्टोरी, और जो उनके ड्रैगन होते हैं, जो चाइनीज ड्रैगन होते हैं और अमेरिकन ड्रैगन, वो अलग हैं। आप शायद देखे होंगे ब्रेव हार्ट, एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन होता है, फेरी टेल टाइप की कहानी है, वो भी इनिशियल था, इवन एनाकोंडा, मतलब बहुत ख़राब सा CGI है बट स्टोरी टेलिंग अच्छा है, तो वो एक ग्रोथ दिख रही है मेरे को उसमें, इसी तरह से कि कैसे वो मास्टर होते जा रहे हैं मॉन्स्टर्स पे, बीस्ट पे, क्रीचर्स पे। फिर आती है स्कल आइलैंड 2017 में। तो जब मैं स्कल आइलैंड देखने गया था तो मुझे लगा कि ये फिर वही किंग कॉन्ग टाइप की मूवी होगी। स्कल आइलैंड में एक क्रीचर था, दो पैर से चलता था और उसकी पूंछ जैसी कुछ था, और उससे गॉडजिला की लड़ाई होती है, उसमें ही शायद वो टीरेक्स से लड़ाई होती है और एक लड़की होती है, मतलब याद नहीं आ रहा किसमें था, लेकिन स्कल आइलैंड मुझे बेहतरीन फिल्म लगी। और जो भी एलियन के फ्रेंचाइजी, स्पीसीज एलियन, प्रोमेथियस और एलियन 1, 2, 3 ऐसे ही कुछ था, तो उसके अंदर जो हम ज़ॉम्बीज की बात नहीं कर रहे हैं, रेजिडेंट एविल की बात नहीं कर रहे हैं, जॉम्बी में हम बोलेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि जॉम्बीज आर वेरी
माई प्रॉपर्टी है, भूत नाशक मंत्रा की प्रॉपर्टी। तो स्कल आइलैंड आती है, फिर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जो टॉम क्रूज वाली थी, वो अभी तक शायद 4-5 बन चुकी हैं वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, क्योंकि बहुत पुराना फेमस कल्ट टाइप की स्टोरी है। तो 2005 में आई थी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स टॉम क्रूज की। आज भी मतलब अगर नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना चाह रहे हैं, मन नहीं मान रहा, तो मैं एक बार फिर लगा लेता हूँ। अभी उसका एक वेब सीरीज़ भी आया था, शायद 2-3 एपिसोड थे, सीजन 1 ऐसे ही कुछ था, सेम एग्जैक्ट सेम स्टोरी। एक मूवी है अ क्वाइट प्लेस। तो बर्ड बॉक्स देख रहे थे तो मुझे लग रहा था कि यार इसमें भी कुछ एलियन कुछ क्रीचर हो, लेकिन आँख पे पट्टी बांध के और सैंड्रा बुलॉक घूमती रहीं, लेकिन कुछ एलियन जैसा दिखा नहीं। क्वाइट प्लेस में कुछ क्रेजी से आते हैं आके और बच्चे को छीन के ले जाते हैं। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी ठीक है, लेकिन उतना अच्छा CGI मुझे बहुत मज़ा नहीं आया उसके अंदर। फिर आती है द मेग 2 भी आ गई, तो उसमें भी बहुत क्रिएटिव काइंड ऑफ क्रीचर नहीं है, जस्ट शार्क है, और लेकिन वो क्रेजी स्टोरी लाइन है। तो मेग 1 और मेग 2 आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, शायद है OTT पे है। फिर अभी जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आई है, अभी शायद लगी है थिएटर में, अगर आप अप्रोच करेंगे तो शायद मिल जाएगी, कहीं ना कहीं किसी थिएटर में मिल जाएगी तो वो भी। और मुझे 3D में ही देखने का मन करता है, एक अच्छा सा थिएटर हो, आप गोल्ड क्लास में बैठ के देखें, क्योंकि बहुत रेयरली कोई इस तरह की मूवी आती है। फिर अगर भर भर के आपको क्रीचर देखने कॉन्सेप्ट्स देखने हैं तो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी इज द प्लेस टू वॉच। मतलब इस प्लैनेट से उस प्लैनेट पे जाना है, और सब लोग अलग अलग तरह के रहते हैं, इवन जो वर्ल्ड बिल्डिंग उन्होंने की है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में, उसमें आप काफ़ी कुछ देखते हैं जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, देयर इज अ वैरायटी इनटू दैट, आई लव इट। तो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी इज माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी सीरीज, इफ यू वांट टू वॉच सम न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर क्रीचर्स एंड मॉन्स्टर्स। फिर जो टेक्निकली जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो टेक्निकली साउंड मूवी इज गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के बाद, अगर हम किसी को बोलते हैं जिसके अंदर इतना कुछ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, वो प्लैनेट ऑफ द एप्स ही है। और फिर अभी जब मैं OTT शायद स्टार्ट नहीं हुआ था 2005 में शायद, द टुमारोज वॉर, उसमें वो जो ग्रे कलर के जो एलियंस हैं जो दौड़ते हैं, जिनकी एक टेल होती है, टेल में से वो नेल की तरह कुछ वेपन फेंकते हुए चल रहे हैं, उनकी एक टीम है, लोग यहाँ से टुमारो जाते हैं, मतलब किसी पोर्टल से होके फ्यूचर में जाते हैं और वहाँ उनसे एलियन से लड़ाई करते हैं। तो वो जो एलियन है वो मतलब ही कैन स्पीक लाउडर, उसके बॉडी, उसका जो रिगिंग हुआ होगा, जो एनिमेशन है अनबिलीवेबल। मतलब मैं बनाता हूँ 4 कैरेक्टर एनिमल, चलो ठीक है, वो तो 6 पैर वाले एनिमल बनाए, ऊपर से एक टेल है। तो ये सब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है अगर आप कंसेप्ट आर्ट पे काम कर रहे हैं। तो जब हम कंसेप्ट इस तरह का कंसेप्ट आर्ट सोचते हैं कि पहले तो हमारा देश, हमारे देश में मूवी इंडस्ट्री से बड़ा, मतलब इससे बड़ा हॉलीवुड इंडस्ट्री भी नहीं है, हमको एक नई शुरुआत करनी है। ये जो हमारी जेन जी के बच्चे हैं उनको कोई मेरे जैसा आदमी बैठ के सिखाए एक फ्यूचर। जब हमारे यहाँ बच्चे इस तरह का कैरेक्टर डिज़ाइन करने लगेंगे तब हम कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, और मुश्किल कुछ नहीं है। आप जो सोच रहे हो, आपको एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा ख़राब लगेगा बोलते हुए, मुझे ख़राब लगेगा कि मैं किसी घमंड में बोल रहा हूँ, या जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसी इंडस्ट्री के बहुत क्लोज रह के आ रहा हूँ, मेरे अगल बगल सब बिजनी के लोग थे, और आप इस बात पे तो गर्व करिए कि मैं एकमात्र हिंदुस्तानी था और झंडा गाड़ के आया हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ वही सब ज्ञान लेके, और यहाँ के बच्चों को सिखा रहा हूँ कि वो लोग कैसे सोचते हैं। तो ये
मैं उन्हीं को पढ़ा रहा था भाई 14 साल से, जहाँ से ये सब चीज़ें निकल के आ रही। दिलीप चौबे वापस आ गए, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, अब नहीं जा रहे विदेश। तो नए जमाने के बच्चे हैं वो एकदम कंफ्यूज हैं, मतलब कॉलेज ऑफ आर्ट्स का बच्चा वाटर कलर लेके सड़क पे बना रहा है और रेलवे स्टेशन पे स्केच कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि उसको करना क्या है, क्यों कर रहा है वो। जिससे पूछेगा उस उनको भी नहीं पता है भाई कि ये क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर, अरे किस लिए कर रहे हो प्रैक्टिस। कोई क्रिकेटर जो है रात दिन खेत में जाके और स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस कर रहा है, उसका उस इस्तेमाल कहाँ होना है ये तो पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी कि कहाँ तक जा सकते हैं। एक रास्ता बना हुआ है, अगर उस रास्ते में, मैं 2 बार टहल के आ चुका हूँ, आप अभी यहीं पे कन्फ्यूज हैं कि किस रास्ते में जाना है। मेरे से मिलेंगे कोई, हम आपसे पैसे थोड़ी ले रहे हैं कि हमसे मिलिए और बात करिए, आइए बैठिए सीखिए ना, समझिए ना। सामर्थ्य है, मतलब हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को इस दिशा में ले जाने का सामर्थ्य है मेरे अंदर, और अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, आई कैन चेंज द डायरेक्शन एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ। हमको नहीं चाहिए, हमको, वी डोंट नीड मांगा इन इंडिया, वो कूड़ा है, गार्बेज ऑफ जापान इज अवेलेबल इन इंडिया रीप्रिंट में। 40 साल पुराना माल को छाप के एक देश दिख रहा है जहाँ पे बच्चों के पास कुछ है ही नहीं पढ़ने का, भेज दो इंडिया। आपको क्या पता, मैं मिलता नहीं हूँ क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों से, उनको पैसे बन रहे हैं, सारे पैसे जा रहे हैं जापान। ज्ञान सीखा जाता है, ज्ञान बांटा जाता है, यही कर रहे हैं ये बच्चे जो हैं। जो अभी हमारा जो फर्स्ट बैच था, अगस्त में मेरा दूसरा बैच शुरू हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ 2 महीने पढ़े थे, दे आर गोइंग टू डू 6 मंथ इंटर्नशिप मेरे साथ, विच विल बी पेड इंटर्नशिप, दे कैन मेक मनी ऑल्सो। तो 2 महीने के लिए पढ़ने आए थे, 6 महीने और हो गए उनके बाद, एंड देन इफ समबडी इज परफॉर्मिंग नाइसली दे विल बी ऑन बोर्ड ऑल्सो। काम की कोई कमी तो है नहीं, तो टीम बना रहे हैं, आर्ट सेना जिसको चाहिए यहीं से जाएगा फ्रॉम लखनऊ। तो एक पार्ट है जिसमें जो हम क्रीचर्स बनाते हैं उसमें एनाटॉमी के ऊपर बहुत काम, हाउ टू मैनिपुलेट साइंटिफिक वे ऑफ एनाटॉमी। जो पहला मॉन्स्टर आपने देखा जो क्रीचर है, उसको मैंने डॉग की एनाटॉमी से इंस्पिरेशन लिया। ये नहीं कि मैं डॉग की फ़ोटो देख रहा हूँ, आई डोंट टेक एनी रेफरेंसेज व्हेन आई डू कैरेक्टर डिज़ाइन। तो थोड़ा सा डॉग और थोड़ा सा हॉर्स से मिलता जुलता वो कैरेक्टर है, थोड़ा ग्रीक माइथोलॉजी से मैं लिया हूँ कंटेंट। तो नॉसफेरिक्स उसका नाम है। दूसरा जो ब्लडरा कैरेक्टर है जो आप ऐसे देख रहे हो ना, तो मैं जब इसको बना रहा था मैंने कहा कि थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इस हाथ को, थोड़ा और पैर को एक्सटेंड करते हैं, तो ये काफ़ी ह्यूमनाइड है, मतलब आदमी की तरह है। और जो ग्रीन एंड ऑरेंज और इस तरह का जो कलर स्कीम है वो ग्रीन इगुआना, एक छिपकली जैसी होती है, मैं उसके स्किन कलर टोन, वो एक गिरगिटान होती है जो कलर बदलती है, तो वो मेरा एक इंस्पिरेशन रहा ब्लडरा में। तियानक एक कैरेक्टर है, एक मॉन्स्टर, मिथिकल मॉन्स्टर है, किसी वेस्टर्न वर्ल्ड का, शायद जापान का ही है, शायद साउथ ईस्ट एशिया का ही। तो वो जो 4 हाथ वाला और उसके हाथ से ऐसे ऐसे कुछ निकल रहा है, यहाँ पे कुछ येलो लाइट जैसा देख रहे हैं, उसका नाम है तियानक। ये साउथ ईस्ट एशिया का एक मिथिकल क्रीचर है जो खून पीता है लोगों का, तो मैंने सोचा कि इसका वॉक साइकिल पे दिमाग लगाएं, और अच्छा क्रीचर है। और सेंटॉर्स जो 4th वाला आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मेटालिक मैंने बॉडी रखा है, और हमारे यहाँ भी है ऐसा कुछ कैरेक्टर, हम भी जानते हैं, थोड़ा सा मारीच मेरे दिमाग में ऐसा ही आता है कि आधा हिरन है और आधा ह्यूमन है,
इसमें मैंने थोड़ा मेटालिक टाइप का कलर स्कीम किया है, और ये भी साउथ ईस्ट एशिया में आप गूगल वगैरह पे डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। और बेक मोमो, बेक मोनो, ये भी फिलीपींस का ही एक मिथिकल क्रीचर है। पूरी दुनिया भरी पड़ी है मिथिकल क्रीचर्स के ऊपर, आप रिसर्च करिए, विकिपीडिया पे जाके ये सब पढ़िए, विकिपीडिया पे, ना कि आर्ट स्टेशन में जाके और लोगों के आर्ट वर्क चुराने की बात, ये नहीं है। मतलब आप स्क्रैच से बनाइए, आपकी ज़िंदगी है, आप जो भी बनाएंगे आपका आईपी होगा। तो ज़रा रिकैप कर देते हैं, मास्टर क्लास 3 था, आपको इसी तरह से कुछ नए नए चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इसी देश में रहिए, मैं देखता हूँ बच्चे ऑनलाइन आजकल, मैं भी अपना फ़ोन खोलता हूँ तो कहीं 199 में मुझे कुछ सिखा रहे हैं कुछ विदेशी लोग, 499 में कुछ रिकॉर्डेड वीडियो वो दे देंगे उसका लिंक और आप देख लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो ऑनलाइन जो धंधा चल रहा है उसमें से 4 ऐसे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो इन कंपनियों के लिए पढ़ा रहे हैं, मैं उन पर बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन ऑनलाइन अगर पढ़ाई होती होती तो हमारे बच्चे स्कूल क्यों जाते भाई? ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, एक मजबूरी थी जब हमारे यहाँ कोविड था, अब तो नहीं है कोविड, आइए हमारे यहाँ पढ़िए, सामने बैठ के पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे। हाँ, मैं आपसे एक आपको इनकरेज कर रहा हूँ, आप कुछ क्रीचर बनाइए, कुछ मॉन्स्टर्स बनाइए, कुछ बीस्ट बनाइए, और इसी लिंक में नीचे पोस्ट करिए या इंस्टा वगैरह पे हम मेरे को भेजिए, मैं आपको कुछ फीडबैक देता हूँ। तो एक चलिए एक कंपटीशन टाइप का हो जाए, आप भी बनाइए कुछ मॉन्स्टर्स एंड बीस्ट एंड क्रिएचर, बहुत फन चीज़ है। तो मैं अभी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मास्टर क्लास देखा, इतना टाइम निकाला, और मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ कि आप अपना फीडबैक दीजिए, मेरे पास काफ़ी कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, कुछ टॉपिक्स हो जो आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे साथ। तो चलिए अब मिलते हैं किसी दूसरे मास्टर क्लास में, मास्टर क्लास 4 भी ऑलमोस्ट चल रहा है उस दिमाग पे, और मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।